इस कारीगर के हाथ काट दिए गए थे जिसने बनाया है ये। मेरा पति अनजाने अनजाने में कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल जाते मैं भी नहीं समझ में आती कि क्यों। भाई साहब चॉकलेट इस प्रकार से पूरी की पूरी फाड़ियां रखी हुई है। तो हमें रोमांटिक डेट पे डैडी आप शर्त जीत गए। फाइनली जाके घर में थोड़ी सी खुशियाँ आई है। हेलो जी OMG फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है, होप यू आर डूइंग बेमिसाल। आज के दिन की शुरुआत भी हो रही है सेम टू सेम उसी प्रकार। सुबह सुबह अभी भैया आ गया है पापा के प्लेटलेट्स वाला चेक करने, एंड आई होप अगर आज बड़े हुए आ जाते ना हम हो जाएंगे बिल्कुल टेंशन फ्री। यहाँ पे पापा एक बारी फिर से सुई लगवाते हुए। पापा अब तो आदत सी होगी होगी, मतलब पता भी नहीं लगता है सुई घुस गई है। ज्यादा फील होता होगा। नहा धो के मैं हो चुकी हूँ तैयार, ब्रेकफास्ट सबने कर लिया हुआ है और बारी आ चुकी है बादाम खसखस का दूध पीने की। हेलो जी, बादाम खसखस का दूध क्या हुआ? और अपना मौसम बदल चुका है ये इससे पता चलता है, क्योंकि पहले हम जब कॉफी या दूध लेते तो ठंडा प्रेफर करते थे, अब ठंड लगने लगी, अब गर्म में मजा आता है ना। हाँ। ऐसे कॉफी अवॉइड कर रहे हूँ कार, भूल जाते हैं तुम। पर काफी दिन हो गए, काफी कल ही तो पी थी। नहीं यार कल नहीं, परसों पी थी, परसों शायद। तो आजकल हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कॉफी छोड़ के हम ज्यादा दूध पी। मैं और भी ज्यादा तैयार हो चुकी हूँ, और मैं तैयार क्यों हो रही हूँ ये मुझे खुद नहीं पता है, बस मैं तैयार हो गई हूँ। ये खर्चा करवाने के लिए तैयार हुई है और कह रही मैं तैयार क्यों हुई हूँ मुझे पता नहीं है। तुम्हें पता है? खर्चा करवाना पता होना जरूरी है, मेरा पता होना जरूरी नहीं है। आज बहुत ही ज्यादा मेरा कुंडा होने वाला है, क्योंकि कुंडा नहीं होने वाला, चलो मेरे को शॉपिंग कराओ, ये शॉपिंग करवाओ। मैं आपको बताता हूँ दरअसल सीन क्या चल रहा है। फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो मुक्ति ने बोला मुझे एक हैवी सूट लेना है, और मम्मा पीछे पड़े हुए हैं, दिवाली भी है, ये है वो है, पता नहीं क्या कुछ गिना दिया है मुझे, और मुक्ति को शॉपिंग करवा के लाओ। सारों ने मेरे पे दबाव डाल दिया तो करवानी पड़ेगी। पर सुन मेरी बात सुन, शॉपिंग से पहले मैं कुछ खा लूं। घर पे ना आलू गोभी बनी थी, मैंने आलू गोभी नहीं खानी। कुछ तो खाना खाया था थोड़ी देर पहले, 4 घंटे हो गए उस चीज़। 4 घंटे का अभी तो खाना खाया नहीं, नहीं खाया मैंने, अभी फ्रूट्स भी खाए। कुछ खाने देना अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छे मूड के साथ तो शॉपिंग करना है बस। आज बोल तो खाना आज मन है बाहर का खाना, थोड़ी देर में खाओगे तो मुझे भी भूख लग जाएगी ना। चिकन समोसा खाना, चिकन वाला आलू का समोसा, ये अच्छा लगता है चिकन का। अरे खा के देखना यार, मैं ना एक वीडियो देखी थी उसके अंदर चिकन समोसा था तो मेरा मन कर गया, पहली बार ही खाऊंगा चिकन समोसा आज। मेरा पति इतना शौकीन है ना मतलब खाने पीने का, हे रब्बा 21 डेज चैलेंज खत्म हुआ नहीं कि इसको बस खाना दिख रहा है कि मैं ये ट्राई कर लूं, मैं वो ट्राई कर लूं। यार होता ही है, मन ना बंदा जीता गया खाने पीने। एक्चुअली तीन समोसे मैं जान के तीन नहीं लेके आया, फिर वो मिनिमम 3 दे रहे थे, मतलब इसमें बनाने सही है यार 20-25 मिनट लग गए बनाने में। इतना टाइम, इतनी देर में तो मम्मी कोई और सब्जी बना देते। तोड़ के दिखाऊं? दिखाओ जी समोसा, ये चिकन समोसा है। हाँ। बताओ ऐसी चीजें भी आने लगी। अरे तेरे को फन फैक्ट बताता हूँ। हाँ? एक्चुअल में जो समोसा है ये इंडियन डिश नहीं है। हाँ? ये मेरा मिडिल ईस्टर्न वगैरह उस साइड की। देखो चाय भी इंडियन नहीं होएगी, बट चाय भी इंडियन हो चुकी है बेटा। बात तो सुन लो। हाँ? तो जो समोसे का ओरिजिन था ना वो किसी और कंट्री का था, एंड इट वॉज नॉन वेजिटेरियन, चिकन समोसा ही था। आलू वगैरह तो हम इंडियंस ने डाला इसमें, जो भी है इंडियन ने आलू डाल के कमाल कर दी हुई है। ये पनीर लग रहा है। अरे चिकन की भुर्जी लग रही है मेरे को तो। अब खा के बताओ कि आलू वाला ज्यादा बेटर होता है या चिकन वाला। मैं अब जैसे नॉनवेज मैंने खाना शुरू कर दिया है, बट मैं अभी मतलब मुझे नहीं पता कि मैं बचपन से वेजिटेरियन, बचपन में मैं वेजिटेरियन ही रही हूँ, तो मे बी दैट्स द रीजन कि मुझे भी, मैं मोमोज खाती हूँ तो मुझे वेजिटेरियन मोमोज ही अच्छे लगते हैं। अब जैसे समोसा, आई एम वेरी मच श्योर कि मुझे वेजिटेरियन समोसा आलू वाली ज्यादा टेस्टी लगेगा, है ना? तुम्हें अच्छा लगा? या आलू वाले ज्यादा अच्छे होते? मतलब ये सच्ची खा के समोसा नहीं लग रहा, इट इज गुड, इट इज ओके, बट नॉट समोसा। समोसे वाली फील, आलू नहीं है ना बीच में। समोसा बचपन से खाया ही हमने, आलू वाला ना ये इतना अच्छा लगा नहीं, एक्सपेरिमेंट करना था, मैंने ट्राई करना था, कर लिया। मेरे पति ने भी थोड़ी सी रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद पता चला कि चंडीगढ़ में एक एग्जीबिशन लगा हुआ है कपड़ों का, तो मेरे को बहुत ही अच्छा मौका मिला हूँ कार को लूटने का। सुन तो ले मेरी बात, सिर्फ कपड़ों का थोड़ी है, खाने का भी है। बताओ जब खाने का ही था तो समोसे क्यों खाए? मुझे पहले पता थोड़ी था ये आने हमने। अरे यार चलो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। देखो जी यहाँ आती हूँ, कार ने मुझे फोन पकड़ा दी कि व्लॉग बना दे, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ, मेरे पीछे लेके घूम सकते तो घूम लो, मैं देख रही हूँ सूट, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। इसका ध्यान सूटों पे, व्लॉग पे कोई नहीं है। अब मैं यहाँ पे सूट देखते देखते ये थोड़ा सोचूंगी ओह शिट व्लॉग ले, ये तुम करो, ये लो पकड़ो, चलो मेरे हवाले कैमरा सोने हो फोकस, सूट देखने आई है तू, ये फ्रिज मैग्नेट है, ये फ्रिज मैग्नेट नहीं देख।
पे जितने भी सूटों वाली दुकान है ना, सबने एक लाइन नई सीख ली हुई है, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यही रटा हुआ है सब। फाइनली जाके इसने कुछ पसंद किया 2 घंटे भटकने के बाद। अभी तो और भटकाऊंगी, रुको। मैं ना आप सबको सच बताता हूँ, मुक्ति को मैं एग्जीबिशन लेके आया था कि यहाँ पे आएंगे, थोड़ा बहुत ये कपड़े देखेगी और मैं कुछ खा पी लूंगा, परंतु इसकी शॉपिंग नहीं खत्म हो रही। ओए हेलो मैडम, सुन भी नहीं रही। ओ कितना टाइम, जब तक है जान नहीं जब तक है ये एग्जीबिशन। बहुत अच्छा है बुक्टी, वाओ सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। और यहाँ पे एग्जीबिशन पे आके मैंने दुनिया का 8वां जूपा देख लिया हुआ है, वो है ये करवा चौथ स्पेशल सूट। क्रिएटिविटी का लेवल पार हो चुका हुआ है, इस कारीगर के हाथ काट दिए गए थे जिसने बनाया है ये। लड़की को कुछ करने की जरूरत है, सूट पे अपने आप हो रहा है जो हो रहा है। कहाँ से इंस्पिरेशन आई आपको ये बनाने की? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना खाने की, भाई साहब मेरा मन कर उठा के खा लूँ यहाँ से, बट मैं यहाँ नहीं खाने वाली, मैं तो घर जाके आलू गोभी खाऊंगी। रश बहुत है यहाँ पे, कुछ ऑर्डर करूंगा घंटा लग जाएगा, बाहर से खाएंगे। बाहर से खाऊंगा, पर मैं ये चीज सुन के बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। बाहर से खाऊंगा, घर जाने से पहले खाऊंगा। ये बंदा ऐसी बात कर ही देता है। तो आज मैंने एक सूट खरीदा, 2 सूट खरीदे, काउंट कर रही हूँ ऐसे हैरान मत तो देख के, चो एक सूट का सीधा बोल दे 3 खरीदे। सोच रही हूँ ना, एक दुपट्टा खरीदा वो कटवर्क वाला, वो बहुत अच्छा था वेलवेट में, और एक को और सेट सूट खरीदा। मैंने खर्चा है, मुझे पता है, 3 सूट खरीदे, 1 दुपट्टा खरीदा मैडम ने। वेरी गुड। दुख की बात ये है कि मैं आपको वो दिखा नहीं सकती, और दिखा इसलिए नहीं सकती क्योंकि मेरे को सिर्फ अभी एक ही सूट मिला है जो कि मैं दिखा दूंगी, बट उसके अलावा जो 3 सूट है ना, वो कहने की वो कस्टमाइज करने के बाद ही हफ्ते तक वो डिलीवर करवाएंगे, तो ओवरऑल लुक भी मुझे भी बाद में पता चलेगी, और उसके बाद में जो स्टिच कराना पड़ेगा। Yeah. मेरा पति अनजाने में कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल जाते, मैं भी नहीं समझ में आती कि क्यों। यहाँ पे अभी नई दुकान खुली है, मुझे कह रहे यहाँ से खाते हैं, क्यों? क्योंकि नई दुकान खुली है, नया नया पकवानों का फ्रेश मिलेगा, ताजा ही होएगा। सीधी सी बात, देखो आज ही मेरे ख्याल से दुकान खुली है तो सामान सारा ताजा होएगा ना। इट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी। नहीं मतलब अगर 3 दिन बाद जाएंगे या महीने बाद तो जाएंगे, साल बाद जाएंगे, चांसेस है बासा होने की, रहने दो। अभी ना हम एक नई दुकान में है चंडीगढ़ में जो खुली है, और कंसेप्ट भाई साहब चॉकलेट इस प्रकार से पूरी की पूरी फाड़ियां रखी हुई है। कंपटीशन दे रहे हैं गच्चक को, सही बात है, चॉकलेट की गच्चक भैया टेस्टिंग भी कराते हैं। अरे मुक्ति टेस्टिंग वाला रिवाज भी है, दे रहे थे, मैंने कहा इसको करा दो, मेरे को जरूरत नहीं कराने की। ये कौन सी है सर? हेज़लनट विद मिल्क 45। अरे शेयर कर लो। हाँ शेयर बेटर है, स्वाद है। ऐसी ऐसी दुकान खुलती रहे भाई, हमने आइसक्रीम वाली दुकानों पे जाना ही नहीं टेस्टिंग के लिए आपसे, इधर आके खाएंगे। हमने ना 2-3 जगह पे तलाश करी अच्छे खाने की, परंतु अपने को निराशा मिली, निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। कौन है ये निराशा? ये कौन निराशा है ये निराशा जो कि मुक्ति से पहले मिल गई तुम्हें? डिसअपॉइंटमेंट। तो मुझे ही खाने लगी, इतनी भूखी भी मत बन। तो भी आ चुके अपनी एक बहुत ही पसंदीदा जगह पे। यहाँ पे मुक्ति क्या खाना है जो तुम्हारा मन हो? मैं तो घर जाके आलू गोभी भी खा लूंगी। नहीं नहीं, तुमसे नहीं खाई जाएगी ना। आज मैं और मुक्ति लेंगे डेट वाली फीलिंग, तो हम है रोमांटिक डेट पे, अब हमें डिस्टर्ब मत करो, हम मजे कर रहे हैं। खाना हमने खा लिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, और अब अपने मन को और ललचाने एक दूसरी दुकान पे आ गया। और यहाँ पे कैसे देख रही है मीठे की चीजों को? छोटे बच्चे खिलौनों को नहीं देखते, तू ऐसे देख रही है? विंडो शॉपिंग करना पसंद है मीठे की, मीठी चीजें खाने की। नहीं सच्ची मुझे अच्छा लगता है कि क्या क्या आया। टेस्ट लेने का मन नहीं कर रहा? नहीं। आपकी बहू रानी को 4 सूट दिला दिए, 4 सूट। खुश? ठीक, तू खुश? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। और मेरी ड्यूटी मेरे को आवाजें मार रही है, नवाब साहब को लेके जाते हैं शहर पे। मुक्ति ना मम्मा को दिखा रही है सूट। मम्मा कैसे हैं सूट? सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट वाओ। देख भाई ट्रेंड से अपडेटेड है मम्मा, क्या चल रहा है ट्रेंड में? मम्मा वेरी ब्यूटीफुल। इनकी रीले बनानी शुरू कर देते हम, दिखाना शक्ल। फ्यूचर सेलिब्रिटी, क्या मुस्कुराहट है। एंड आप सबको मैं बता दूं, पापा के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आ गई हुई है, एंड पापा के प्लेटलेट्स भी पापा के बुखार की तरह, स्टॉक मार्केट वाला सिस्टम है, कभी ऊपर कभी नीचे। पापा नॉर्मली लोगों का एक बारी प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू होता है बढ़ता रहता है, आपका कम कैसे हो गया? आपको नहीं पता तो किसको पता है आपके प्लेटलेट्स हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? या तो डॉक्टर ने रिपोर्ट गलत दी है। नहीं सोचा था कि बदन गिर पड़ता, आई डोंट नो।
तेरे भी एक बार गिरे थे फिर बढ़िया थे, पर बड़े थे तो बढ़ते ही जा रहे थे, आपके नीचे फिर कैसे आ गए? जैसे छोटे होते मेरे रिपोर्ट कार्ड अच्छा चाहिए होता था, मुझे अब आपकी रिपोर्ट अच्छी चाहिए। फिट हो जो, ओके ठीक है, प्रॉमिस। अभी ना हमने एक पक्का फैसला कर लिया हुआ है, अगर कल रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम आते हैं तो अब हम वेट नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में दाखला कराएंगे, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन हो गए हुए हैं प्लेटलेट्स कम होते ही जा रहे हैं। क्या कहते हो डैडी, कल दाखला? तेरी भी तो रिपोर्टें कभी ऊपर कभी नीचे आती रहती थी स्कूल में, तो ये हो जाता है कभी। अभी बात स्कूल की नहीं हो रही है, अभी बात यहाँ पे हेल्थ की हो रही है। हाँ पक्का, देख लेंगे कितनी कम आती है कितनी ऊपर, तो अगर ऊपर आते तो फिर, अगर ऊपर आती है तो फिर घर पे सेवा ठीक आएगी। पक्का? हाँ श्योरिटी, हजार हजार की शर्त लगाते हैं। ये गुड मॉर्निंग OMG फैमिली। सो गाइज अभी बस पापा का सैंपल वगैरह कलेक्ट किया है और आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे एंड होपफुली डॉक्टर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स करे। और आज ना कुछ थोड़ा वार्म पहन लेना क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो रहा है। आज तो रात तुमने फैन ऑन रखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोल्ड हो गया, पता लगे तुम भी बीमार हो। जो उठो और गर्म पड़े हो पापा, हाथ से हाथ पकड़ते ही पता लग रहा है कि गर्म हो। ज्यादा वीकनेस लग रही है आज? गर्म हो, ज्यादा वीकनेस लग रही है। खाने में बना दलिया, मतलब इसको खा के तो बंदा और बीमार फील करे। डॉक्टर ने पापा की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट देख के बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट उसके अलावा कुछ टेस्ट और लिखवा दिए हुए हैं क्योंकि बुखार नहीं उतर रहा है, अभी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। मुक्ति जो है उसकी तबीयत भी खराब होने लगी, मुझे तो लग रहा है अपने ना ग्रह ग्रुप होता है कुछ होता है ना ऐसे, मतलब की कोई किस्मत नहीं अच्छी चल रही है कि सब ठीक हो रहे हैं, छोटी मोटी तू भी बीमार हो गई है और ये तो चलता रहता है ना, फीवर इंसान को नहीं होगा तो किसको होगा। देख मुक्ति हॉस्पिटल में है ही है, डॉक्टर को दिखा दे, दिखा लेते। डॉक्टर ने ना मुक्ति को बोला है कि क्रोसिन खाओ एक दिन, देखो अगर तब भी तबीयत ठीक नहीं लगती है तो फिर से आ जाना। मतलब हेल्थ पे जब बात आ जाती है ना तो फिर काम सेकेंडरी हो जाता है और फिर ऐसा होता है पहले सब ठीक हो जाए, मतलब इस टाइम पे ना पता लगता है हेल्थ इज वेल्थ सच में। और अभी जाके पापा की आई है रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट है पापा प्लेटलेट्स की? 99 100 ही करते थे सेंचुरी हो जाती। डैडी आप शर्त जीत गए, फाइनली जाके घर में थोड़ी सी खुशियां आई है, सेटिस्फेक्शन मिल गई। मुक्ति को जो फीवर है तो थोड़ा सा मैं डरा हूं, तो उसके लिए मैंने अलग से टेस्ट बुक करवा दिया हुआ है। और घर वाले जो है ना लग चुके हैं सारे रिश्तेदारों को बताने की रिपोर्ट ठीक आ गई है। इतना तो ना जब 10th या 12th के एग्जाम में मैं पास हो गया तब रिश्तेदारों को कॉल करके नहीं बताया था जितना पापा की रिपोर्ट पे कॉल करके बताया जा रहा है।